हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड इवनिंग गाइस। तो आज ट्यूसडे है और अभी शाम का 6 बज गया है और मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। और मैंने यहाँ पर ये मम्मी की साड़ी पहनी है और ये काफ़ी साल से ऐसे ही हैंगर में लगी हुई थी। और मैंने मम्मी को अभी बोला कि मम्मी, जिन साड़ियों को आपने सालों से नहीं खोला है, अब मैं एक एक कर कर सब साड़ियों को पहनूंगी और सब साड़ियों की तह खुलती जाएगी। रखे रखे भी साड़ियों की अगर तह चेंज ना करो तो फिर वो ख़राब हो जाती हैं। और अभी मुझे मौका मिला हुआ है कि मम्मी की साड़ी पहनने का, क्योंकि मेरा सारा सामान अभी तक ऐसे ही पैक पड़ा है और मैंने अभी तक कुछ भी सामान खोला ही नहीं है। और ऊपर का काम लगभग फिनिश हो गया है तो मैं अभी आपको लेकर चलूँगी ऊपर। किचन का काम कंप्लीट हो गया है, बहुत ही खूबसूरत किचन बनी है। कंप्लीट नहीं हुई है, शायद नीचे का बहुत हल्का सा काम रह गया है, तो कल मॉर्निंग में हो जाएगा। और किचन कैसी बनी है ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है किचन। बहुत इंतज़ार किया है मैंने, ऊपर अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊं। तो अभी थोड़ी देर में ऊपर जाऊंगी, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को मैं जाती हूँ मंगलागौरी माँ के मंदिर दर्शन करने के लिए, तो इसीलिए मैं रेडी हो गई हूँ। अभी 6 बज गया है और लास्ट ट्यूसडे को भी मैं गई थी मंगलागौरी माता के मंदिर, तो मेरा कुछ प्रसाद वगैरह था, सब कुछ बोला हुआ, तो जो भी प्रसाद वगैरह था जो मैं नवरात्रों में नहीं चढ़ा पाई थी और मेरा मन था कि मैं माता रानी को चढ़ाऊँ, तो फिर लास्ट ट्यूसडे को मैं और ये दोनों लोग गए थे और हम लोग जल्दी चले गए थे। आरती का टाइम था और ट्यूसडे वाले दिन मंदिर में बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, मतलब माता रानी के दर्शन करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने लास्ट ट्यूसडे को भी बोला था कि तुम लोग थोड़ा सा लेट जाना तो फिर भीड़ नहीं मिलेगी, तो मैंने 8 बजे मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया। तो अभी 6:15 बज गया है और मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। और मंदिर जाने से पहले मैंने किचन में थोड़ी सी लंच की तैयारी कर दी है, तो सब्जी बना दी है और करेले बने हैं, तो करेले मम्मी बना रही हैं और ये भी रेडी हो गए हैं। और दोनों बच्चे यहाँ पर सैतानी कर रहे हैं, दोनों स्लीपर्स पहनकर रेडी हो गए हैं कि चलो इन लोगों को टेरेस पे जाना है देखने के लिए। ऊपर भी पेंट वगैरह का काम चल रहा है तो वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए गाइस, पहले ऊपर चलते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऊपर कितना क्या काम हो गया है। और बच्चों को भी घुमा लाए, बच्चों को घुमाने के बाद फिर मुझे मेरा जो मंदिर है वहाँ भी जाना है आरती करने के लिए। शाम को मैं और ये दोनों लोग जाते हैं आरती करने के लिए और आरती करने के बाद जाएंगे हम लोग मंगलागौरी माता के मंदिर। और आज के ब्लॉग में मैं आपको फिर से कराऊंगी माँ मंगलागौरी के दर्शन, तो ब्लॉग को देखते रहिए। और अगर ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का बटन है उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर काव्या रेडी हो गई है, इतनी बार कंघी कर चुकी है ये, बोल रही थी मेरे लिपस्टिक लगा दो। क्या लगाऊं काव्या? लिपस्टिक। पहले लिपस्टिक बोलो। लिपस्टिक। लिपस्टिक लगानी है? हाँ। छोटे बच्चे नहीं लगाते हैं। और आज पूरी दोपहर हो गई है, बच्चों ने बिल्कुल ना रेस्ट किया है और ना घर में किसी को करने दिया है, बहुत ज्यादा शैतानी की है इन दोनों ने आज दोपहर में। जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा शैतानी। चलेगा मैं छत पे? हाँ। तो चलिए गाइस पहले ऊपर चलते हैं। और ये है किचन, तो मैं कैमरा एक बार फ्रंट कर आप लोगों को दिखा दूंगी किस तरीके से बनकर तैयार हुई है। और दोनों बच्चे सब लोग आ गए, रूम में लाइट नहीं है तो उधर मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगी। ये अभी इसमें नीचे की तरफ भी विंडो लगनी है तो ये काम नहीं हुआ है। और इसके बाद ये पूरा फर्नीचर लग गया है और किचन में एक ये बाहर की तरफ विंडो है। अच्छा, ऊपर इन्होंने एक लंबा रैक चढ़ाया है ना, ऊपर वाला इस तरीके से, उसके अंदर दो है ना। हाँ, अच्छा लग रहा है वैसे वो।
छत नीचों वाली रह गई, चादर की छत देखो जरा। अभी है धूप बहुत तेज। मैं आ गई हूँ अभी टेरेस पर, और कैसी लगी आप लोगों को मेरी किचन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ किचन को शेयर कर दिया जाए, और जब मैं किचन को अच्छे तरीके से सेट करूँगी फिर आपके साथ किचन का टूर भी करवाऊँगी एक अच्छा सा। और अभी बच्चों को छत दिखानी थी तो वो वाली छत अभी कंप्लीट नहीं है, उस पर प्लास्टर वगैरह नहीं हो पाया है उसकी वॉल्स पर, और ये वाली ग्रिल सब न्यू लगी थी तो ये बाउंड्री वगैरह प्लस इन पर सब पर पेंट करा दिया है आज पापा जी ने। वही बच्चों को बता दिया था कि छत देखाना, हमारी छत हमने साफ़ करा दी है, पेंट करा दी है। और बच्चों को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है देखने की कि छत पर क्या हुआ है, कैसा हुआ है। तो काव्या और ये बहुत ज़्यादा बेचैन थे, और उस वाली छत पर एक जाल है छोटा सा उस पर पेंट हो गया है। अब वो वाली छत कार्तिक की है, ये काव्या की है, क्योंकि बीच में यहाँ पर पहले का ये बना हुआ था तो ये थोड़ा सा नीचा हो गया है, तो अभी तो ये ऐसे ही रहने वाला है। हम लोग बोल रहे थे कि इसको तोड़वा के इसके लेवल में करवा देते तो पूरी छत दोनों तरफ की बराबर हो जाती। अब ये दो पार्टीशन में हो गई है और दो दो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं उधर भी इधर भी ऊपर नीचे। और पापा जी यहाँ पर एक रूम और बनाने की कह रहे थे, हट जो होती है, हट जैसा रूम बनवाएंगे। देखो बनता है या नहीं, आपके साथ सब कुछ मैं शेयर करती रहूँगी। कैसी लगी काव्या आपको छत? छत पे जाना है? नहीं नहीं आपकी भी छत पे नहीं जाना है। और अभी धूप है, सूरज है बहुत तेज, बहुत गर्मी हो रही है छत पे भी बहुत ज़्यादा। और यहाँ बंदर बहुत ज्यादा हैं, मतलब खड़े होने का है ही नहीं, लड़ाई होगी बंदरों में। चलो काव्या भागो 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 जल्दी से, मंकी आ रहा है, किधर आ रहा है मंकी आ रहा है, चलो चलो जल्दी चलो आओ। देखो पापा चले गए भाई के साथ, हम लोगों को मंकी खा लेगा। और अभी सूरज पीछे छिपने वाला है, छिपता हुआ सूरज बहुत अच्छा लगता है, जब डूबता हुआ सूरज आता है। चलो आओ, तो चलिए गाइस पहले नीचे चलते हैं। इधर कहाँ पे आप मुझसे आगे आओ, इधर साइड में हाथ पकड़ो मेरा, हाँ हाथ पकड़ के चलो, गिर जाओगी। अभी बहुत खतरनाक है छत, चोट लगी तो। तभी ये भागता हुआ आया, बाबा से एक बात कहनी है। कार्तिक की छत रेडी नहीं है इसलिए कार्तिक गुस्सा हो गए। कलरफुल हो गए एकदम, व्हाइट ब्लैक जबरदस्त। कार्तिक की छत रेडी नहीं है इसलिए कार्तिक गुस्सा हो गए। काव्या की तो नई बनी है और साफ हो गई, और उस पर पेंट वेंट हो गया आज सब कुछ। इनके पे अभी गंदगी पड़ी है, और जो वॉल्स हैं इतनी इतनी उन पे वो नहीं है प्लास्टर, तो उन पे पेंट नहीं हुआ है। बोर है इनकी इधर वाली है, काव्या की आगे वाली है, बंटवारा है दोनों का।
वापस आ गई हूँ और आज जो माता रानी के दर्शन थे बहुत अच्छे हुए हैं। आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बस थोड़ी सी थी। इतनी भीड़ तो बहुत ही नॉर्मल सी भीड़ जब मैं गई थी, मैंने आप लोगों के साथ उस दिन भी वीडियो शेयर किया था, बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब माता रानी के दर्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और आज हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। और अभी जब मैं घर वापस आई हूँ तो आज मैंने प्रसाद में लिए थे बेसन के लड्डू, और कार्तिक को बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं अभी इनको यही बोल रही थी कि बेसन के लड्डू कार्तिक के लिए और ले आना, बहुत अच्छे थे वो लड्डू। कार्तिक को क्या उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं होने चाहिए, घर में भी बनाते हैं, मम्मी ने कई बार बोला कि बेसन के लड्डू बना देते हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं बन पा रहे हैं बेसन के लड्डू। तो मैंने बोला कल आप मार्केट से ही ले आना हो, कार्तिक बेसन के लड्डू खा लेगा, उसे बहुत पसंद आए। काव्या ने पूरा नहीं खाया, थोड़ा सा छोड़ दिया, लेकिन कार्तिक को बहुत अच्छा लगा। कार्तिक ने जैसे ही खाया, कार्तिक बोले मम्मी और चाहिए, तो मैंने बोला कल मंगा कर देंगे। और दोनों बच्चे मेरे फ़ोन में गेम खेल रहे हैं। देखो आजकल बच्चों को गेम पता नहीं कितना अच्छा लगता है, वो बच्चों के लिए काफ़ी काम की भी चीज़ें होती है, लेकिन मेरे बच्चे गेम भी खेल लेते हैं, उनको गेम बहुत ज़्यादा पसंद है। और बरमावस हो चुकी है, तो बस अब मैं मेरे घर, मेरी मम्मी के घर जाने की तैयारियां करूंगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अभी मैं 2-4 दिन और नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि अब 3-4 दिन बाद पापा जी का बर्थडे है, तो फिर मैं पापा जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लूँ। देखती हूँ, हो सकता है उससे पहले चली जाऊँ, क्योंकि मुझे जाना ही है और मैं बहुत दिन से तैयारी कर रही हूँ, सारी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं, बस मुझे मेरा बैग पैक करना है और एक बार मार्केट और जाना है, अभी थोड़ा सा सामान और लेकर आना है। और क्या लाऊंगी फिर आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ मेरे कपड़े चेंज कर लूँ, क्योंकि ये कपड़े पहनकर मैं अभी गई थी मंदिर, और ये बहुत लाइट कलर की साड़ी है, इसका कलर बहुत अच्छा है, गर्मी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, लाइट क्रीम कलर में, पिंक कलर के इसमें बूटे पड़े हुए हैं, इस तरीके से अच्छी लग रही है और बहुत ही कंफर्टेबल है, बिल्कुल गर्मी नहीं लगी मुझे इससे पहनने के बाद। तो अभी मैं जा रही हूँ, पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर खाना बना देती हूँ। खाना में बस मुझे पराठा सेकना है, जाने से पहले मैंने किचन को इवनिंग में क्लीन किया था, और उसके बाद फिर मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी और मम्मी ने करेले की सब्ज़ी बना दी है। ये मॉर्निंग में ही करेले लाए थे, मॉर्निंग में नहीं बन पाई थी, लेकिन अभी बना दिया है, क्योंकि इनको करेला खाना था। और बस खाने में हम लोग दही पराठा, करेले की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी, ये सब खाने वाले हैं, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस अब मैं जा रही हूँ मेरे कपड़े चेंज कर लूँ, और फिर मैं जल्दी से पराठा सेकूँगी सबके लिए। ये तो किचन एक बार चेक भी कराए हैं, और फिर मैं थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ।